कंफ्यूज लग रहे हैं यहाँ पे क्योंकि पलाश कुछ साइन कराना चाह रहे हैं, सिर्फ एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? या द थिंग इज कि पलाश अब उसने शायद मेरी टीम कहीं कहीं वो छोड़ना शुरू कर दिया मेरी टीम को, और वो भाग गया थोड़ा गंगा के प्यार में आई थिंक, एंड वो चाहता है कि मैं कन्फेशन लेटर पे साइन कर दूँ ताकि मैं बाहर ना आ पाऊँ एंड ही कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर विद गंगा. दैट्स हिज प्लान. माने नॉट पूरा कुछ सॉलिड प्लान नहीं है, बट या ही डजंट वांट मी टू कम आउट ऑफ जेल मोस्ट प्रोबेबली. और अब वो ट्राई कर रहा है कि वो मुझे कन्विंस करे, बट आई थिंक सागर हैज़ अ ब्रेन ऑफ हिज ओन. वो भी लॉयर है, वो भी समझता है, एंड नाउ फाइनली हैज़ फिगर्ड आउट कि वी रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो आई थिंक वो थोड़ा सेनली सोचेगा और क्या करना है, एंड आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन. लेकिन दूसरी तरफ गंगा एविडेंसेस ढूंढ रही है ताकि आप बच जाएं, और एक तरफ ये है कि आपको अंदर रखना ही चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में आप क्या करना है? एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें. इसमें जो करना है गंगा को करना है. गंगा बाहर गई है एंड शी इज़ आउट लुकिंग फॉर द एविडेंस. अगर उसे मिल जाता है तो आई विल बी सेफ आई थिंक, इफ शी इज़ नॉट हार्म्ड ऑन द वे बैक होम. तो लेट्स सी इफ शी कैन फाइंड मेहरी एंड गेट हर होम. ओके, लास्टली गंगा की तरफ उनका जो भी अट्रैक्शन है वो देखते आपको तो इससे जलन नहीं है? मुझे तो अभी तक जलन हुई थी शुरू में. सागर को बहुत जलन हुई थी, काफ़ी गुस्सा वुस्सा भी हुआ था घर पे. बहुत ही भारी सीन गया था पलाश के, हमारे तीनों जन का. तो उसमें मैं बहुत चिल्लाया था, मैंने गंगा को भी कुछ अनशन कह दिया था. तो बट या आई रियलाइज कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड देन पलाश टर्न आउट टू बी अ वेरी स्वीट गाय. बट अगेन कुछ तो कर रहा है, कुछ तो दिमाग में चल रहा है उसके. तो अभी फिर वापस ठीक करना पड़ेगा. यू आर वेलकम.